हेलो दोस्तों, आज हम पावर बैंक बनाने वाले हैं। दोस्तों, इसकी मदद से हम पावर बैंक बनाने वाले हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। दोस्तों, आज इससे पावर बैंक बनाएंगे। इससे 3 फोनों को एक साथ चार्जर किया जा सकता है दोस्तों। और ये इसमें ये इंडिकेटर है जो बताएगी बैटरी कितनी चार्ज है। ये पहला, ये दो, ये तीन और एक चार, मतलब ये बताएगी क्या बैटरी कितनी फुल चार्ज है या आधी चार्ज है। और एक ये स्विच है जो कि ये लाइट का, ये आगे लाइट होता है, इसको चलाने का काम करता है ये स्विच दोस्तों। और इसके जो आगे है इसको ये चार्ज करेगा और इससे हम इनपुट ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, पावर बैंक बनाने के लिए हमें ये इक्विप की जरूरत होगी। और मेरे पास कुछ ये सेल पड़ी है और एक ये बैटरी है, इनकी मदद से हम पावर बैंक बनाने वाले हैं। और इसमें आगे हम टॉर्च लगाएंगे दोस्तों। इसके लिए एक प्लेट और एक लट्टू लिया है मैंने, और इसके लिए एक खोखा लिया है, जो ये फोन आते हैं उनका ये मैंने खोखा लिया है दोस्तों। ये खोखे की मदद से हम इसमें इसको सेट करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें अब इसको सेट कर लेते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों, इसमें सेट करने के लिए हम इसमें लगाएंगे दोस्तों। टू टू जगह पर पेंसिल चाहता है ऊपर की लगा रहे हैं, और ये यूएसबी वाला है लगा रहे हैं दोस्तों। पेंसिल की सहायता से ऊपर लगा रहे हैं की ऊपर दोस्तों। इसी बोर्ड के ऊपर लगाना दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने इसमें अब ये छेद कर लिए है दोस्तों। ये प्लेट के हिसाब से हमने, जो इसमें ये पीछे बटन है और ये एलईडी है, इनके लिए भी हमने एक छेद कर लिए है दोस्तों। देखिए, अब इसको हम इसमें ऐसे लगा के ये ऊपर हमने काट लिया है, इनके यूएसबी केबल के लिए हमने इनको काट लिया है। देखिए दोस्तों, ये ऐसे सेट हो जाएगा। और ये हमने वो लिथियम आयरन सेल लिए थे दोस्तों। ये अब इनका कनेक्शन करना है हमें। इनका कनेक्शन दोस्तों ऐसे करना है, इनका कनेक्शन दोस्तों ऐसे प्लस प्लस के एक तरफ और माइनस माइनस के एक तरफ करना है दोस्तों। और हमने ये बैटरी थी, इसका भी कनेक्शन इसमें करना है। हेलो दोस्तों, देखिए हमने इनका ये माइनस माइनस के एक तरफ और प्लस प्लस के एक तरफ हमने कनेक्शन कर लिया है। और ये अपनी स्पीड थी, उसके भी हमने ये कर लिया है दोस्तों। हमने दोस्तों इसके भी कर लिया है। देखिए, ये प्लस और माइनस के हमने इसके कर लिया है। और ये अपनी बैटरी थी, इसके भी हमने कर लिया है दोनों तारों को। और जो आपने ये लड्डू की प्लेट थी, उसके भी कनेक्शन कर लिया दोस्तों। अब इनको साइड में रखिए दोस्तों। अब इस मोबाइल का अपने वो खोखा लिया था, उसमें जो चेक करे थे उनमें इसको सेल को इधर रखिए। और यो बैठी है, इसमें इसको लगा देना। उससे पहले इसको इस सिस्टम को लगा देते हैं दोस्तों। या ये फिट है, इसको इधर सेट कर देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको इधर सेट कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे वैल्यू की मदद से हमने इसको इधर चिपका दिया है दोस्तों। ये अपने बैटरी थी, इसको इस साइड रख देना है। ये इस इधर वाला टर्मिनल प्लस वाला है और इस वाले साइड का माइनस है दोस्तों। अब ये बैटरी थी, इसका ब्लैक वाला वायर प्लस का है, इनका कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ईजी है, इन दोनों को वायर को एक जगह कर देना है। देखिए दोस्तों, हमने ये प्लस वाला वायर था, जो हमने प्लस वाली साइड लगा दिया, जो माइनस वाला वायर है इसको लगा देते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको ऐसे जोड़ लेते हैं दोस्तों इसको ऐसे जोड़ लेते हैं दोस्तों। अब इसके ऊपर जो हमने ये खोखा लिया था, इसको लगा देना है दोस्तों। ऐसे इसको पैक कर देना है डिब्बे को, और इसको इस साइड पैक कर देता है। चलिए दोस्तों, मैं इसको पैक कर देता हूँ। इस टैप की मदद से इसको पैक कर देता हूँ मैं दोस्तों। दोस्तों, हमने इसमें ग्लू लगा दिया, इस प्लेट को भी हमें इसमें फिटिंग करना है, तो इसको इस साइड चिपका दिया। देखिए दोस्तों, हमने ग्लू की सहायता से इस प्लेट को चिपका दिया दोस्तों। इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो प्लस वाला माइनस है उसको इनमें लगा देते हैं दोस्तों, हम कनेक्शन कर। देखिए दोस्तों, हमने इस प्लेट का सिस्टम कर लिया है। ये प्लस वाला वायर है जो इधर है, माइनस वाला हमने इसमें लगा दिया, जो माइनस। अब ये माइनस वाला वायर है जिसमें हम स्विच लगाएंगे दोस्तों इधर। अब इसमें इसको इधर लगा देंगे दोस्तों। फिर ये ऊपर वाला खोखा है, इसको ऐसे लगा देंगे और इधर से इस साइड का ये लगा देंगे। चलिए दोस्तों, अब इसमें चिकन सेट कर लेते हैं दोस्तों। अब इसमें चिकन, देखिए दोस्तों, हमने इसमें चिकन का सिस्टम कर दिया है। देखिए दोस्तों, अब इसके ऊपर का ये खोखा लगा लेते हैं दोस्तों। इसके ऊपर फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने इसको काला छड़ लगा दिया, इसे लगा दिया। अब इसको पैक कर देते हैं दोस्तों, और इसका आगे लगा देते हैं। पहले इसको ऐसे लगा देते हैं दोस्तों, फिर इसको ऐसे लगा देंगे, इन दोनों को ऐसे लगा दोस्तों। इधर मैंने ये टाइट वाटर से मैंने लगा दिया दोस्तों। अब इसे ग्लोबल काटा से बदलने से चिपका दिया है। ये हमने इधर से इसको टाइट कर दिया दोस्तों, पर ये इधर साइड से चिपका दिया दोस्तों हमने दोस्तों, उसको हमने टाइट कर दिया है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये देखो, हमने यूएसबी केबल ली है, इसको इसके अंदर लगा दिया है दोस्तों। देखिए, और इसको स्विच को चालू कर देते हैं दोस्तों। देखिए स्विच चालू हो गया, मतलब इसको इसमें लगा देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, चार्ज हो रहा है दोस्तों। ये स्पीड चार्जर है, ये देख लीजिए दोस्तों, कोई हमने वो नहीं करा। ये देखिए आपके सामने चार्ज हो रहा है फोन। देखिए दोस्तों, ये फोन चार्ज हो रहा है आपके सामने, कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारा पावर बैंक बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। बहुत आसान है इसे बनाना।